सो फाइनली वेलकम टू जापान। इसके साथ 25 कंट्रीज हो गई आज हमारे पासपोर्ट पे। करना होता आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ। पहले मुझे पैसे चेंज कराने हैं, सिम कार्ड लेना है। देखो अभी मैं सिम कार्ड लेने आया हूँ। ये है इनका 10,000 का नोट। हाँ, ये स्टैंडर्ड पॉस्मो, आप इसको रिचार्ज कर सकते हो या फिर इस कार्ड को बाय कर सकते हो। एयरपोर्ट से निकल के ना हमें ये वाली लेन लेनी है। देखो लिखा है फाइनली। ये मेरा हॉस्टल है, मैंने सोचा क्यों ना एक बार अपना हॉस्टल दिखा दिया जाए। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू डूइंग वेल। एक और नई कंट्री ऐड करने के लिए निकल गया हूं मैं एक नए सफर पर। आज हम जा रहे हैं जापान और मेरे पीछे बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। एंड इन फैक्ट बोर्डिंग का स्टार्ट हो गया, मैं बोर्डिंग कार्ड भी ले चुका हूं। फटाफट इमिग्रेशन पे निकलते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या ट्रैवल आता है, क्या नहीं आता, कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ये सीरीज बहुत मज़ेदार होने वाली है। देन उसके साथ जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस बने रहना वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव और एज ऑलवेज बहुत मस्ती तो करने ही वाले हैं। एट द गेट्स, मैं आपको बता भी नहीं सकता मैं जापान जाने के लिए कितना एक्साइटेड था। इतने टाइम से प्लान कर रहा था, मेरी बकेट लिस्ट में है जापान कब से। और अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा होकर इतना खुश हूँ, इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता जापान लैंड करने के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है। एनीवेज मैं बता दूँ, जापान में हम लैंड करने वाले हैं टोक्यो में। और टोक्यो के बाद कहाँ जाएंगे अभी तक कोई प्लान नहीं है। टोक्यो में दो एयरपोर्ट है, हनीडा एंड नरीटा। मैं लैंड करने वाला हूँ हनीडा, जो मेन टोक्यो में पड़ता है। इसके अलावा जो नरीटा है वो 60-65 किलोमीटर्स सिटी से बाहर है। और जापान में क्या क्या करेंगे सारा तो आपको वीडियो में देख के पता चल ही जाएगा अभी आने वाली सीरीज़ में। आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया, हम बात करेंगे क्या चैलेंजेस आते हैं अगर आप जापान जा रहे हैं, या फिर क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इमिग्रेशन पे, एयरलाइन आपसे क्या क्या पूछ सकती है, से लेकर आप कैसे फ़्लाइट एक अच्छी बुक कर सकते हैं, होटल कैसे बुक कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहना वीडियो में, अभी फ़िलहाल थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं। दिस इज़ 25th कंट्री यार, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो चलो फटाफट यहाँ से बोर्डिंग क्लियर करते हैं। और सीट इज 53A 53 अल्फा। ये रही चाइना क्रॉस किया है और अब हम जीजू के सामने से होते हुए, साउथ कोरिया के सामने से होते हुए हम जापान में एंटर कर जाएंगे। और ये रही हमारी डेस्टिनेशन। फाइनली वेलकम टू जापान। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ना, अभी फटाफट में इमिग्रेशन पे आ गया, बहुत पास पे था, तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म फिल करना होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है। ये कार्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर पर्पस ऑफ विजिट, टूरिज्म,
और जहाँ पे भी आप रुकने वाले हैं होटल का एड्रेस, वहाँ का नंबर, और कोई आपका सीन तो नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर रिफ्यूजल तो नहीं है जापान से, बस यही सब करके यहाँ साइन करना होता है और बस दैट्स इट। भाई एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ पे इमिग्रेशन पे, एक नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, बस पासपोर्ट दिखाया, स्टैम्प मारी, दैट इज इट। एक अराइवल कार्ड भरवाया था जो मैंने आपको दिखा दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी जब मैं बोर्डिंग कार्ड लेने गया था चेक इन काउंटर पे, तब भी कुछ नहीं पूछा, बस पासपोर्ट देखा, फ्लाइट टिकट देखी, दैट टू भी मैं रिटर्न फ्लाइट टिकट तो कैरी नहीं कर रहा, मुझे अभी तक नहीं पता मैं वापस कब जाऊँगा। सेकेंड इमिग्रेशन पे इंडिया में, वहाँ पे भी कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ पे तो वैसे ही कुछ नहीं पूछा। अब यहाँ अंदर देखते हैं क्या क्या होने वाला है, ये कंट्री, ये सिटी कितना एक्सप्लोजर देने वाली है, कितना फन देने वाली है। सबसे पहले उसके लिए सिम कार्ड की ज़रूरत है, अच्छी अच्छी स्टोरीज पोस्ट करने की ज़रूरत है, तो फटाफट सिम लेते हैं, देखते हैं अच्छे कनेक्शन क्या रेट के मिल रहे हैं, क्या चार्जेस हैं यहाँ पे, सब दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे ना दो सिम चल रहे हैं, एक चल रहे हैं टेलीकॉम स्क्वायर और दूसरा चल रहा है एनी वन जापान। ये सिम कॉस्ट कर रही है मुझे 5500 फॉर 8 डेज। आई थिंक 8 डेज से ज़्यादा तो मैं नहीं रुकने वाला, 5500 8 डेज 4G, और ये है दूसरी 6000। एक बार देखते हैं एयरटेल हमें क्या रेट ऑफर कर रहा है। और एयरटेल में 5GB इंटरनेट मुझे मिल रहा है 2900 का, आई थिंक वो लेना ज़्यादा बेटर है, इसको छोड़ते हैं, नो पॉइंट, कम से कम घर वालों से कनेक्टेड भी रहेंगे, यहाँ के सिम भी नहीं चेंज करनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा बेटर है। बट अब दूसरा काम करते हैं जो है मनी चेंज कराना। मैं इंडिया से कुछ डॉलर्स कैरी कर रहा हूँ, US डॉलर्स जो मैं लेके आया था 84 रुपीज़ के हिसाब से, देखते हैं यहाँ पे क्या रेट मिल रहा है। आई नो सिटी में सस्ता मिलेगा, सब यही बात बोलने वाले हैं कि एयरपोर्ट से क्यों खरीद रहे हो, बट अभी है नहीं ना, मेट्रो से पहुँचना भी होगा होटल तक, तो उसके लिए करेंसी चेंज हो रहा। Yes. So, मैंने $100 लिया और मुझे मिलने वाले हैं 13,975 जापानीज़ येन। Finally, हमें दिखेगी करेंसी होती कैसी है भाई, जापानीज़ येन मैंने आप भी तक नहीं देखी है। बड़ा सही सीन है इनका कैलकुलेट करने का, देखो हाथ में मैडम के नोट है, आने दो एक बार। ये कैसा सिक्का है? This is 10,000 का नोट। और या तो फाइनली हमने करेंसी चेंज करा ली है, मैंने 100 यूएस डॉलर चेंज कराए हैं जो मैं इंडिया से लेके आया था 8400 रुपीस के, और जिसके बदले में मुझे मिले हैं यहाँ पे 13,975 जापानीज येन। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 8400 इंडियन रुपीज़ में 13,975 जापानीज येन, जिसका मतलब हो जाता है इंडिया का एक रुपया इज इक्वल्स टू 1.5 जापानीज येन। तो उसके हिसाब से तो मतलब हम अमीर हैं। एनीवेज अब मैं आपको करेंसी दिखा देता हूँ, देखो कुछ इस तरह की दिखती है। यह है इनका 10,000 का नोट जो कि इंडिया के लगभग 7500 रुपये होता है, और बाकी ये इनके हज़ार के नोट हैं, और ये कुछ इनके कॉइन्स हैं जो हमें बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ से चलते हैं सीधा मेट्रो की साइड, मेट्रो से जाएंगे सिम्बुया जहाँ पे हमने होस्टल बुक किया हुआ है, और देखते हैं सिटी क्या ट्रीट करती है हमें, टोक्यो जैसा हमने देखा है फास्ट एंड फ्यूरियस में और बहुत सारी सीरीज में मूवीज़ में, क्या ये वैसा ही है या उससे भी सुंदर है या नहीं है। पर हाँ, मैंने ये जरूर सुना है कि वर्ल्ड की एक्सपेंसिव सिटीज़ में से एक है, और आई वुड से दी एक्सपेंसिव सिटी है, तो वो तो अभी पता चल ही जाएगा। फटाफट यहाँ से निकलते हैं, मेट्रो लेते हैं और निकलते हैं सीधा हॉस्टल की तरफ, बहुत नींद आ रही है। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे आएंगे ना, तो एक ये पास है स्टैंडर्ड पॉस्मो करके, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये स्टैंडर्ड पॉस्मो, आप इसको रिचार्ज कर सकते हो या फिर इस कार्ड को बाय कर सकते हो, मिनिमम 2000 का आप इसमें क्रेडिट कर सकते हो, और अनलिमिटेड 10 साल तक ये कार्ड वैलिड है, और ये हर जगह चलता है, चाहे वो आपकी ट्रेन्स हो, चाहे बसेस हो, चाहे कन्वीनियंट स्टोर हो, ग्रोसरी, कहीं पे भी जाना है, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल, हर जगह ये कार्ड चलेगा। मेरे को अभी तक तो सही लग रहा है, बाकी इसके रिव्यूज़ मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर दूंगा, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ले लेते हैं।
thank you for waiting. So this is your card and this is your balance. Okay. Thank you. So here I card. All right, thank you. एयरपोर्ट से निकल के ना हमें ये वाली लेन लेनी है, देखो लिखा है कि क्यू लेन, और ये जो मैंने आपको कार्ड दिखाया था जरा मैं दिखाता हूँ लगाना कैसे है इसको, खुला ही रहता है वैसे ये, बट फिर भी तो यहाँ से ना सीधी नहीं जाएगी मेट्रो, यहाँ पे हमें चेंज करनी पड़ेगी, पहले हमें सिंबुया तक जाना है, सिंबुया के लिए हमें जो मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नाम पूछना पड़ेगा किसी से, ऊपर तो मैं पूछ के आया था, इनके नाम भी बड़े अजीब हैं एक तो। देखो ये है, अभी फ़िलहाल हम हैं यहाँ पे, हमें लेनी है ये वाली मेट्रो, ये जाएगी यहाँ पे शिंगावा, शिंगावा से हमें चेंज करनी है और जाना है हमारे डेस्टिनेशन सिंबुया यहाँ, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए, टोक्यो डिज्नी रिजॉर्ट है, रेनबो ब्रिज है, देन ये तो सबको पता ही है टोक्यो का मशहूर आईफिल टावर की कॉपी, और पता नहीं क्या क्या। मेट्रो के धक्के भी बढ़िया ही होते हैं, कुछ नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। अभी फिलहाल हम बैठे हैं मेट्रो में और हम जा रहे हैं यहाँ से शिंबुया, शिंबुया में मेरा हॉस्टल है और मेट्रो बड़ी अच्छी है यार, इतनी साफ सुथरी सी, खाली हो गई ना, ये लो शक्ल के बच चुके हैं 12 और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने हॉस्टल के बाहर, ये मेरा हॉस्टल है बहुत सुंदर सा, मैं अभी अंदर से देख के आया हूँ, सच्ची बताऊँ तो आपको दिखाता हूँ। और मुझे रूम मिला है सेकंड फ्लोर पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जापान में टोक्यो में हॉस्टल्स कितने प्यारे होते हैं, ये होटल के रूम से ज्यादा प्यारे हैं। Wi-Fi, second floor. My bed is now already back here, and this is my bed. ऐसे मिलते हैं, और भी हैं। और ये प्यारा सा व्यू, वी हैव छोटा सा स्टोरेज, और छोटे से अलमीरा मिली हुई है हमें, मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम कैसे होते हैं यहाँ पे, ऑल जेंडर एंड दैट्स फॉर फीमेल, इट्स बैड। या तो जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है शिबुया और ये हॉस्टल है ग्राफी शिबुया हॉस्टल, ये मुझे कॉस्ट कर रहा है जस्ट 2200 इंडियन रुपीस, दैट इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट, इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कोई मिल सकता है, दैट टू बी इतनी प्राइम लोकेशन पे, 5 मिनट की दूरी पे मेरे पास शिबुया मेट्रो स्टेशन है, 5 मिनट की दूरी पे मेरे पास वर्ल्ड्स बिगेस्ट और बिजिएस्ट क्रॉसिंग स्ट्रीट है शिबुया क्रॉसिंग स्ट्रीट। रही बात बस स्टेशन की, आपको पीछे दिख ही रहा है, इससे ज़्यादा सस्ता और प्यारा क्या ले लेगा यार कोई एक इंसान, इसके अलावा और क्या रहेगा कवर करने के लिए। फ़्लाइट टिकट मैंने आपको बताना भूल गया था, फ़्लाइट टिकट मुझे कॉस्ट करी 55,000 क्योंकि मैं जापान एयरवेज से आया हूँ, लेकिन अगर आप सस्ती चाहते हो स्काई स्कैनर पर जाके चेक कर लेना या आप मुझे बता देना, मैं ढूंढ के दे दूंगा। एयर इंडिया जैसी फ़्लाइट जो नरीटा लैंड कर रही है आराम से आपको मिल जाती है 35,000 to 40,000 के बीच में, और मैं वन साइड की बता रहा हूँ, राउंड ट्रिप जापान के लिए बहुत महंगा मिलता है, अगर ट्रांजिट लेके आते हो तो फिर भी आप 50,000 के अंदर मैनेज कर लोगे।
इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन आए यू कैन कमेंट डाउन बिलो या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। मिलते हैं ऐसी आगे वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।